बारह बजे तक और उसका बहुत उसके बड़ा बाद डांस कराएंगे। हो गया करो शुरू। संस्कार आप लोग जो देते हैं उसी का दिन वाले से करते हैं। आदरणीय सभी नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन हिमाचल टीवी। मैं वरुण खेमचा आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। मेरे साथ मौजूद है कपिल भाई, मुकुल भाई, रक्षपति जी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई नितेश राठौर जी, पवन भाई, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करना चाहता हूं। आयुष शर्मा जी हमारे साथ हमारी कैनोपी में बैठे हुए हैं। कथासु किंग से काफी खूबसूरत प्रदर्शन देखने को मिला था। हार्ड लग बड़े भाई, इस मर्तबा फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। संस्करण प्रथम की आप रनर्स अप टीम रही थी, तो ये सेकंड सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है टीम जुब्बल रेंजर्स वर्सेस लक्ष्मी टाइटन्स किरण वैली कुड्डू के मध्य। और इस बीच से दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार, और मेरा निवेदन है आदरणीय श्री देवेंद्र पांडा जी, भूपिंदर पांडा जी, इंदर सिंह जी, पीटर पिंडर जी, पवन अर्मिता जी, सुदीप जेटा जी और बी आर होटल जी, कृपया आप सभी लोग आए सर। तो इस बार कपिल भाई, मुकुल भाई, हेलो कहना यानी कश्यप जी का, इनको आप आशीर्वाद देंगे इन खिलाड़ियों को। प्लीज सर, एक बार पुनः वरुण खेमचा आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। इस रॉयल जुबिलियंस प्रो वॉलीबॉल लीग सीजन 2 का चलता हुआ ये वहां पर सेकंड महामुकाबला, सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला। तो मुकुल भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे छोटे भाई वरुण भाई। और पहले मुकाबले की बात करें, बहुत बढ़िया हमारे बीच मुकाबला था, लेकिन वहां पर एक तरफा मुकाबला ये रहा। बदौल बहुत अच्छा खेला, लेकिन आज शायद दिन उनका नहीं था। जी हाँ जरूर मुकुल भाई, आज दिन नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स में वहाँ पर अगर आपके टैलेंट की, अगर आपके स्किल्स की बात होती है, तो साथ ही में बात होती है आपके दिन की, आपके स्टार्स की। आज वो स्टार्स मुझोल के पक्ष में नहीं रहे और फर्स्ट सेमीफाइनल इस रियासती जुब्बल प्रो वॉलीबॉल लीग सीजन 2 का अपने नाम किया वहाँ पर टीम। वॉली ब्लास्टर शाहजपुर ने, और मुकुल भाई इन ड्रोन शॉट पर क्या कहना है आपका, क्योंकि जुब्बल का ये महल चार चांद इस रियासती जुब्बल में लगाता हुआ। जुब्बल की बात करें, एक तो बहुत सुंदर जगह ये ऑलरेडी है, और जैसे ही आप राजमहल की बात कर रहे हैं, क्या बात है, लोगों को यहाँ पे संस्कृति के साथ साथ, यहाँ पर खेल के साथ साथ हर चीज के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, और अपने आप में अपनी शान को दर्शाता है, अपने आन बान शान, जुब्बल की आन बान शान को दर्शाता है। और कहना होगा इस ऐतिहासिक मैदान का, इस वॉलीबॉल की फील्ड का, जो अपने आप में ऐतिहासिक है हमारे बीच में, ये वॉलीबॉल फील्ड जहाँ पर आज ये मैच हो रहे हैं, फाइनल खेला जाना है, एक लड़कियों का मैच होना है, यही वो वॉलीबॉल फील्ड है जिसने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमें दिए हैं। जी हाँ, तो मुकुल भाई बात कर रहे थे ड्रोन शॉट्स की। सबसे पहले इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं अनुराग शर्मा प्रोडक्शंस, जिनके सौजन्य से हमें वहाँ पर ये ड्रोन शॉट्स उपलब्ध हो पाए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो येलो जर्सी में आपको टीम नजर आ रही है, वो है टीम लक्ष्मी टाइटन्स किरण वैली कुड्डू, और राइट हैंड साइड में जो पर्पल और नेवी ब्लू किट में टीम नजर आ रही है, वो है जुब्बल रेंजर्स। यहाँ की लोकल तो सभी टीमें हैं मुकुल भाई, पर ये जो टीम है यहाँ जुब्बल जहाँ मैचेस हो रहे हैं यहाँ की ये लोकल टीम, तो अब इससे बात ये होती है कि सपोर्टर्स इस टीम को वहाँ पर ज्यादा मिलने वाले हैं। एक बात मैं भी यहाँ पे कहना चाहूंगा, सबसे एग्रेसिव टीम में से एक हमारे बीच में जुब्बल रेंजर्स है, लेकिन कुड्डू की टीम की बात करें, कुड्डू की टीम इतनी बैलेंस टीम है और इतना अच्छा ये खेलती है। अब लक्ष्मी टाइटन्स किरण वैली कुड्डू, एक तो इनका नाम जितना बड़ा है उतना ही ये यहाँ पर स्ट्रेंथ अपनी गेम में लगाते हैं, उतना ही यहाँ पर स्ट्रगल अपनी गेम में करते हैं, और इन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है। बात यहाँ पर रहेगी, प्रश्न यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पर आज जोश और उसी के साथ साथ आज किरण वैली कुड्डू और जुब्बल रेंजर्स कौन यहाँ पर अपनी धाक जमाता है, फाइनल में प्रवेश करता है और जाजपुर के साथ खेलता है। जी हाँ, क्योंकि पहले ही हमें एक टीम अपने फाइनलिस्ट इस रॉयल जुबिलियंस प्रो वॉलीबॉल लीग सीजन 2 की मिल चुकी है, जो कि वॉली ब्लास्टर्स जाजपुर के रूप में हमें मिली है। यहाँ से अब उम्मीद मुकुल भाई कुछ इस प्रकार की जताई जा रही है, क्योंकि ये जो दोनों टीमें हैं यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, एक तरफ युवाओं से भरा हुआ वहां पर ये लक्ष्मी टाइटन्स किरण वैली कुड्डू का ये सेट, तो दूसरी तरफ बात करूं टीम जुब्बल रेंजर्स की, तो अनुभव
तो यहाँ पर होने वाला है यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस। आप किसकी साइड है प्रेडिक्शन की टॉपिक यदि बात करें, मैं लोगों से बात कर रहा था, काफी लोग ये मान रहे थे कुंडू जीतेगा, काफी लोग बोल रहे थे जुब्बल जीतेगा। आपको ये जरूर कहना चाहेंगे, आपको याद होगा एक मैच जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे बीच में जो जुब्बल की टीम है वो एक मैच हारी थी, और अगर कुंडू की बात करें वो शायद अभी तक अभिजीत है वो कभी नहीं हारी है, और यही हमारे बीच में मंदोल के साथ था वो भी नहीं हारे थे, लेकिन जब हारे तो सीधा बाहर ही हो गए। जी मुकुल भाई, आपने प्रेडिक्शन की टोपी वहां पर पहनाई है, तो मैं इस प्रेडिक्शन की टोपी को, वो कहते हैं ना कि इसकी टोपी उसके सर, तो मैं ये टोपी पहनाना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स के सर पर, और व्यूअर्स से वहां पर अनुरोध करना चाहता हूं कृपया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सी टीम जीतने वाली है। और मुकुल भाई, हम बात कर रहे थे वहां पर, वो जो आपने कहा कि एक जो विनिंग स्ट्रीक चली हुई थी मंडोल की टीम की, वो एंड तब हुई है जब नॉकआउट स्टेज में, जहां पर मोस्ट क्रूशियल मैच रहता है। और बात करो जुब्बल रेंजर्स की, तो जी हाँ मुकुल भाई, वो बातें बहुत मायने रखती है, ये जो बातें होती है, ये जीतने की जो एक सिलसिला सा चला हुआ था वो बहुत मायने रखता है। जुब्बल रेंजर्स का जरूर मनोबल बढ़ा है, वो वहां पर बैक टू बैक जो विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी पहले मंडोल ने, पर उसके बाद फिर से वो मोमेंटम लिया है, तो जरूर फायदा मिलने वाला है। मोमेंटम की यहाँ पे बात करें, मैच शुरू होने वाला है आज सुबह सुबह, हमारे बीच में ये मैदान खचाखच भरा हुआ है, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और प्रयास यही होगा सभी लोग इतने धूप में इतने तपे हुए, जो यहाँ पे तापमान है वो बहुत ज्यादा गर्म है इस समय पर, और यही होगा और गर्मी बढ़ेगी जिस तरह से हमारे बीच में ये हमें देखने को मिल रहा है। अभी की यदि बात करें हमारे बीच में जो लोग जुड़े हैं उनके भी कमेंट्स देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से ये जरूर कहेंगे स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट का बटन लगातार दबाते रहें, अपनी टीम को अपना सपोर्ट दें। आप विजन हिमाचल टीवी, लाइव टाइम्स टीवी और उसके साथ व्यास जुब्बल के पेज पर हमें देख पा रहे हैं। सभी जगह का टैलेंट अपना ही है, सभी पेजेस अपने ही है, आप जहां से शेयर कर सकते हैं, जहां पे कमेंट करना चाहिए। हां तो मुकुल भाई, एक बार सभी का मैं यहां पर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं वरुण खिमचा विजन हिमाचल टीवी से, और मेरे साथ है मुकुल देव रक्षपति लाइव टाइम टीवी के माध्यम से, और मेरे साथ साथ ही टीम बैठी हुई है कपिल भाई, जो कि वहां पर आपके लिए ये दृश्य लेकर आए हैं, नीतीश राठौर जी हमारे छोटे भाई, आयुष शर्मा जी बैठे हुए हैं, पवन भाई, और हमारी टीम के अहम हिस्सा अमन शर्मा जी आपके सामने खेलते नजर आएंगे। तो एक बार पुणे में वरुण खेमटा शुरुआत करता अपने मंत्र के साथ इस मैच की, तो बोलो शोम शामो शा। आप किस टीम को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं? मंत्र हो चुका है उसी के साथ, पहली बार ऐसा हुआ कि सर्विस शुरू होने से पहले मंत्र समाप्त हुआ, नहीं तो पॉइंट के बाद मंत्र समाप्त होता था, थोड़ी देर और चलती। एक यहाँ पर वरुण भाई एक बात जरूर हमेशा कहते हैं कि जो यहाँ पर पहला अंक लेता है वो आखिरी अंक लेता है, पहला अंक कुंडू ने लिया है। और जी हाँ, तो यहाँ पर श्री गणेश हो चुका है, हनी कश्यप जी, वरुण खिमचा जी, हेलो पवन जी, हेलो कह रहे हैं वहां पर, हनी कश्यप जी बहुत बहुत स्वागत है, बिजू विकास नेगी जी, सुभाष पीटा जी, गुड लक रविंद्र, जुब्बल के सपोर्टर्स है निखिल खत्री, कुड्डू 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 कह रहे हैं यहाँ पर। इस बार सचिन रावत की सर्विस, आईपीएल का दौर है और इस बार दे मारा है 6 रन। जूम आउट करो थोड़ा, निखिल खत्री जी का कहना है सर जरूर हम इस बात पर तवज्जो देंगे। तो इसी के साथ अब स्कोर कार्ड को हम शुरू करना चाहेंगे। शुक्रिया सर, आप जैसे तानी सचिनों की वजह से ही जिस संस्था को सांसें मिलती है उड़ान। आप लोग को बता दें यहाँ पर अभी के लिए स्कोर 1-1 पर हो चुका है, और उसके साथ एक अंक का और इजाफा यहाँ पर कुंडू के, जी हाँ कुंडू के अंक तालिका में हुआ 2-1 से। समय पर लक्ष्मी टाइटन किरण वैली कुंडू आगे चल रही है, दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पर रॉयल जुबिलियन प्रो वॉलीबॉल लीग 2022 का, एक और अंक यहाँ पर कुंडू को, शुरुआती बढ़त यहाँ पे कुंडू ने बना ली है। पिछला जो सेमीफाइनल था वो 3 ही सेट चला, क्या ये वाला भी 3 ही सेट में समाप्त होगा? जी हाँ मुकुल भाई, जो पहला सेमीफाइनल था आपने देखा किस प्रकार से मंडोल स्मैशर्स और वॉली ब्लास्टर शाजपुर के मध्य वो मैच हुआ था, और वॉली ब्लास्टर शाजपुर ने एक तरफा स्ट्रेट 3 में मंडोल को वहां पर करारी शिकस्त दी थी। इस बार सौरभ प्लांटा बॉलर बना है रवि के लिए, इस बार शाहिद अली, सौरभ प्लांटा का लेफ्ट, इस बार शाहिद ने बॉल बना है लवेश, लवेश क्या बात है खिलाड़ी की, रोहित हेजा जी, रमन अमन भाई कहां है सर? अमन भाई इस वक्त मतबा जुब्बल रेंजर्स के अभी बेंच पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जुब्बल रेंजर्स की टीम का ओलिवेरो की भूमिका में हिस्सा बने हैं इस टूर्नामेंट में। आपके यहां आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका इस्तकबाल करता है, आपका स्वागत करता है राजेश चौहान जी, बड़े भाई आप हमारे। अब आप स्कोर देख सकते हैं, स्कोर होता हुआ 4-2
चार में 2-4 है स्कोर। यहाँ पर सुजल दिग्विजय भारद्वाज जी राजा के लिए कहते हैं इस बार सुजल के हाथ, क्या बात है। गुड लक बोथ टीम, वहाँ पर कहना है एनआर बेटा जी का गुड लक। रीना शर्मा जी राजीव चौहान जी 4-2 का ये स्कोर, अब 5-2 होता हुआ। एक बार पुनः महल छोर से शानदार अंशुल के सर्विस, शॉट नेट का इस्तेमाल और अमित खाकता जी। हाँ मुकुल भाई, अमित खाकता को हमने देखा है वहां पर कितने अग्रेसिव ये खिलाड़ी है और हिमाचल प्रदेश पोस्टल के लिए वहां पर खेलते हैं, तो यहां पर अपनी टीम का शानदार प्रदर्शन दिखाते नजर आ रहे हैं। एक अनुभव के साथ साथ ताकत के साथ साथ ये अभी भी उतने ही अग्रेसिव में रहते हैं जितना एक यंग प्लेयर रहता है। अभी अपने जिस उम्र पे ये जाकर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उतने में काफी ज्यादा लोग ऐसे भी रहते हैं जो यहाँ पर खेल ही नहीं पाते। लेकिन अभी की बात करें बहुत बढ़िया ये प्लेयर, लेकिन एक अंक यहाँ पर और इजाफा यहाँ पर कुड्डू के स्कोर में हुआ है। जी हाँ, तो हम देख सकते हैं मुकुल भाई 6-3 का ये स्कोर, अब सर्विस करेंगे महल छोर से सुजल। एक बार खूबसूरत सर्विस यहाँ पर, उतना ही बेहतरीन लेफ्ट बॉल अभी भी क्रॉस किया अमित रांटा ने। राजा का पास, राजा से सौरभ, सौरभ से अमित, अमित से सचिन, सचिन से दो नंबर जर्सी अंकित, अंकित से अमित रांटा, अंक मिलेगा एक बार फिर से। मुकुल भाई दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं जो अमित रांटा है वो इस लीग के सीजन के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है और वहां पर अपनी काबिलियत दिखाते हुए पैसा वसूल ये खिलाड़ी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया से वो प्रदर्शन करते हैं और यहाँ पर आप देखिए रांटा जी की बात कल निशांत भाई भी कह रहे थे और वो कह भी रहे थे कि मुझे उस प्लेयर का खेलना ही बहुत पसंद है। बहुत जोरदार स्मैश अंक यहाँ पर राजा तांचा, हमने यहाँ पर कमेंट में देख सकते हैं मुकुल भाई राजा की बात की, राजा विल बी आइकन प्लेयर डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन दिग्विजय भारद्वाज जी ने, और उस बीच राजा राजा की तरफ प्रहार किया। और मैं मुकुल भाई दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं जो राजा तांचा है ये इन होल हिमाचल प्रदेश बेस्ट शो बॉल अटैकर की वहां पर इस खिलाड़ी का नाम आता है, उम्दा खिलाड़ी, खेल देखते ही बनता है। अब सर्विस करेंगे रेस्ट और छोर से खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी में रवि। इस बार रवि 11 नंबर जर्सी में है खिलाड़ी, एक छोटा सा रवि यहां पर आ चुका है, उस वजह से जरा खेल रुका है। सर्विस आपके सामने होगी, अभी होगी, चिंता ना कीजिए। आपको ये जरूर कहेंगे स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लोगों के कमेंट्स भी यहां पर लेंगे। लेकिन इस पॉइंट के बाद अच्छा स्मैश वहां पर प्लेयर मौजूद, वापिस लिफ्ट किया, पहुंचाया दूसरे छोर पर और इसी के साथ बॉल बनाया है, जगह बनाई, अच्छा डिफेंस रॉबिन, क्या खूबसूरत डिफेंस देखने को मिला अमित रांटा को वहां पर। बहुत स्मैश यहां पर, इस बार कोई जवाब नहीं यहां पर अमित के पास। जी हां, हमूदपुर से देख रहा हूं, बहुत बढ़िया मुकेश बनियाल जी का कहना है। तो मुकुल भाई हम बात करें अमित रांटा, ये वो खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी को आप काफी समय तक शांत नहीं रख सकते हैं। 9-4 का स्कोर, प्रदीप टिंकू शर्मा जी कमेंट्री की तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद सर आप सभी का जुड़ने पर। सुपर पॉइंट लिया गया है और सुपर पॉइंट लिया गया जुबल रेंजर्स की तरफ से आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं जो स्कोर है वो 9-4 है और कुड्डू के 9 है और 4 इस समय पर जुबल है। जुबल पिछड़ ही रहा है इसलिए उनको यहाँ पर आवश्यकता भी है कि यहाँ पर वो पॉइंट अर्जित करे। एक अंक और या क्षमा चाहेंगे, 2 अंक यहां पर मिलेंगे जुब्बल को, तो जो इन्होंने यहां पर एक रणनीति बनाई थी वो इनके लिए सफल हुई, 2 अंक का इजाफा यहां पर होता हुआ और अब हमारे बीच में जो स्कोर है वो 9-6 हो चुका है। जुब्बल 6 पर और 9 पर किरण वैली कुड्डू इस समय पर। इस बीच खूबसूरत सर्विस सचिन, बॉल लिफ्ट हुआ है, अंकित इस बार रवि, एक बार पुनः आप देख सकते हैं क्रॉस किया है यहाँ पर राजा ने, इस बार बॉल लिफ्ट हुआ है सचिन के लिए, खूबसूरत लविश का ये डिफेंस, शाहिद अली का यहाँ पर पास और राजा इस बार पकड़े जाएंगे। एक और अंक का इजाफा यहाँ पर कुड्डू के स्कोर बोर्ड पर और कुड्डू डबल डिजिट पे पहुंचता हुआ, 10 अंक उसके हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे बीच में जुब्बल की टीम है वो अभी भी हमारे बीच में, जो जुब्बल की टीम है वो अभी भी हमारे बीच में यहाँ पर 6 अंकों पर है। लेकिन जुब्बल की टीम अभी मैच शुरू ही हुआ है, पहला हमारे बीच में सेट चल रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले सेट्स में हमें यहाँ पर और बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन देंगे। इस बार राजा तांचा, आप देख सकते हैं यहाँ पर राजा तांचा का ये प्रहार खाली गया है, बॉल को वहाँ पर अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि थोड़ा सा हाई लिफ्ट हुआ था बॉल और एक अंक वहां पर गवा बैठे अपनी टीम जुब्बल रेंजर्स का।
भाई श्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कृपया सर एक स्ट्रेटेजिकल टाइम आउट यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रेटेजिकल टाइम आउट का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अब रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति बताई जाएगी और यहाँ पर बताया आगे के लिए जो एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे आगे का खेल खेलना है। इस समय पर लीड हमारे बीच में जो है वो कुड्डू कर रहा है और कुड्डू फैन फेवरेट्स भी है, काफी ज्यादा लोग कुड्डू को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में यहाँ पर रेंजर्स के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या हो गया स्ट्रीम स्ट्रीम जी हाँ, तो मुकुल भाई एक बार पुणे मैच स्टार्ट हो चुका है। इस बार सौरभ चांचा राजा टांटा इस बार मैच बॉल को सेव रखा है सचिन रावत ने और थर्ड अटेम्प्ट में वहां पर बॉल को पार नहीं कर पाए। इसी के साथ एक और अंक अर्जित हुआ है, देख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई लाइव वालों को वहां पर। मुकेश बनियाल जी का कहना है विजन हिमाचल टीवी की, मुकेश बनियाल जी तारीफ करते हुए एक बार पुनः सचिन रावत इस बार सचिन अच्छा डिफेंस यहां पर हमें देखने को मिला। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं मुकुल भाई सिंगल ब्लॉक में पकड़े गए हैं वहां पर लवेश ससराम चाके, इनके आइकन प्लेयर भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, और जो ये आइकन प्लेयर है आइकन की भूमिका यहाँ पर जरूर निभा रहे हैं, बढ़िया से निभा रहे हैं। और अगर आइकन प्लेयर अच्छे से चले तो बाकी की टीम भी यहाँ पर प्रोत्साहित यहाँ पर स्पाइड रहती है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पर एक और यशविंदर ठाकुर चुनू स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है। 500 लोग हमारे साथ इन तस्वीरों में जुड़ चुके हैं, सभी को प्रभावित किया और सभी को कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, चाहे आप विजन हिमाचल में देख रहे हैं, लाइव टीवी पे देख रहे हैं या फिर यहां से जुबल के पेज पर देख रहे हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से यहां पर बताते रहें। जैसे यहां पर जितने भी लोग हैं आप सभी लोगों को केवल इतना और इतना मात्र कहना चाहेंगे कि आपका अपना टैलेंट है। मैं दो दिन से लगातार ये कह रहा हूं, आज तो ये लीग खत्म हो जाएगी और पहला सेमीफाइनल। जी हां मुकुल भाई, हम बात कर रहे थे वहां पर मोमेंटम की, जुबल रेंजर्स मोमेंटम लेकर टीम आई है। जिस प्रकार से यहाँ पर कुड्डू ने बढ़त बनाई हुई है, 9-11 का स्कोर, वेलकम टू जुबल। आपको वहाँ पर सोनू कलांटा जी कह रहे हैं, सोनू कलांटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त जुबल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम यहाँ पर मिलता है। और जुबल की टीम यहाँ पर अच्छा डिफेंस करने की कोशिश थी लेकिन वहाँ पर पावर ज्यादा लग गई। हाँ, पावर ज्यादा कैसे ना लगे क्योंकि खिलाड़ी अमित रांटा ऐसा लगता है कि लगभग दूसरे माले से शॉट आ रहा हो। इस बार कुड्डू के स्कोर में इजाफा होगा एक और अंक का, 9-12 का इस बार सौरभ लांटा से आली आली से अभिनव इस बार अंशोल देखते रह गए और अंक अर्जित किया है टीम जुबल रेंजर्स। तो वापसी का बिगुल फूंकती हुई नजर आई है टीम जुबल रेंजर्स। आपको क्या लगता है क्या जुबल रेंजर्स यहां पर जो है जीत उनकी ज्यादा यहां पर निश्चित लग रही है या फिर दूसरी टीम है हमारे बीच में कुड्डू लक्ष्मी टाइटन किरण वैली कुड्डू सबसे लंबा इस टीम का नाम होगा शायद। जी हाँ, और एक बार पुनः हम देख सकते हैं इस बार बॉल इफ्टिया सोजल, क्या बात है इस खिलाड़ी की, अंक मिलेगा कुड्डू को और कुड्डू का तो भाई कमेंट यहाँ लेना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकी जागता जी पूछ रहे हैं पीयूष जागता खेल रहा है कुड्डू से। जी हाँ, पीयूष जागता पर इस मर्तबा बेंच पर है, कुड्डू विल विन बूम बूम इनोसेंट नितिन रांटा जी पूनम राजपूत जी स्कोर आप देख सकते हैं, स्कोर 13-10 हुआ है इस समय पर। आप मुकेश बनियाल जी, हम हमीरपुर में लगभग 10 आदमी देख रहे हैं, एक अच्छे बहुत बहुत खुशी की बात है। मुकेश बनियाल जी जोड़ने पर कोटी कोटी धन्यवाद और दो पंक्तियां वहां पर जरूर कहना चाहूंगा वहां पर आप सभी व्यूअर्स के लिए के जमीन पर बैठकर क्यों यूं आसमान देखते हैं, के जमीन पर बैठकर क्यों यूं आसमान देखता है, खोल दे पर अपने क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या बात है, यहां पर उड़े हैं 11 नंबर रवि लेकिन सचिन ने वहां पर इस बार बॉल लिफ्ट जो है सोजल तो नहीं रोक सकते हैं। 10 नंबर सचिन तेंदुलकर है सूजल अपनी टीम के, जी हाँ अंक निकाला है एक और अंक तालिका में एक अंक का इजाफा, 14 दो अंक का इजाफा यहाँ पर 15-10 इस समय पर स्कोर हो चुका है, क्षमा चाहेंगे। जी हाँ, और एक मतलब फिर है पुनः सर्विस करेंगे सचिन, इस बार खूबसूरत सर्विस बेहतरीन पास, इस बार बॉल लिफ्ट हुआ सौरभ क्लांटा के द्वारा 11 नंबर जर्सी में खिलाड़ी, बहुत खूबसूरत डिफेंस सचिन के द्वारा, इस बार आउट लाइन के बाहर दे मारा है, अंक मिलेगा गुड्डू को एक और। आप लोगों को ये बता दें जैसे आप यहाँ पर जितने भी लोग क्षमा चाहेंगे जुबल को यहाँ पर अंक मिलेगा, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुड्डू के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लोगों के बीच में है यहाँ पर सपोर्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है कि कुड्डू जो है ज्यादा से ज्यादा खेले अच्छे से अच्छा खेले और अच्छे से अच्छा चले।
जी हाँ, फर्स्ट सेमीफाइनल कौन जीता स्विच, निखिल जी का कमेंट है। सर मंडोल स्मैशर्स को वहां पर अनफॉर्चुनेटली, मुकुल भाई आप जानते हैं मेरी टीम मंडोल स्मैशर, एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरा उस टीम के लिए था, अब ये टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जितना लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वो टीम अभी आगे और मैच भी खेल सकती है क्योंकि फाइनल तक जाने की उम्मीद थी, अंडरडॉग्स की तरह थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दिन नहीं था, 3-0 से सीधे सेटों में हार हुई है। और वॉली ब्लास्टर छाजपुर फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट टीम बनी है। इस बीच राहुल जालता जी कह रहे हैं शाम को छाजपुर और कुड्डू में कौन जीता था। अमन भाई, राहुल जालता जी, मैं वरुण खिमटा आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस मैच में जीती थी टीम लक्ष्मी टाइटंस किरण वैली कुड्डू। सुजल ऑन फायर जी, अमित खाकटा सर खेल रहे हैं जुब्बल से वहां पर ब्लॉकर की भूमिका में, सुजल और अमित की जुगलबंदी बहुत खूब। जी हाँ राहुल पांचता जी, हाय हाय सर, आपका जुड़ने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुकुल भाई जिस प्रकार से यहाँ पर रोमांच बन रहा है, अमित रांटा देखिए इस खिलाड़ी के पास ताकत और नजाकत भरपूर कॉम्बिनेशन है। स्टेडियम की अगर बात करें वो भी खचाखच यहाँ पर ऑडियंस से भरता हुआ, जैसे कि मुझे बताया गया था कि बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जितने लोग इस समय पर है हमें पता है कैनोपी का सहारा है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर है पूरी तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे, ये अपने आप में एक देखने वाली चीज है, अपने आप में एक सराहनीय चीज है कि वॉलीबॉल लोगों के रग रग में बसता है। अच्छा यहाँ पर एक और सर्व, इस बार अमित रांटा पकड़े गए हैं, इस बार सचिन, देखते हैं किसका इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल सुजल और इस बार सौरभ कलांटा का वहां पर, इस बार अमित रांटा ने बॉल को क्रॉस किया है, इस बार सौरभ इस्तेमाल किया रवि का, इस बार फिर एक बार रैली, इस बार जरूर चला के दिखाई थी, इस बार बॉल रवि के लिए, सचिन सचिन से अंकित, अंकित से अमित रांटा, अमित रांटा से सौरभ कलांटा, इस बार अंकित को नहीं रोक पाएंगे। रैली बहुत लंबी चली, बहुत अच्छी चली, लेकिन यहाँ पर अंकित ने अंक निकाला कुड्डू के लिए। एक यहाँ पर कमेंट आया भी है कि कुड्डू और वॉली ब्लास्टर छाजपुर के बीच में फाइनल होगा, काफी ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन अभी के लिए तो पहला ही सेट है ये दूसरे मैच का और दूसरे सेमीफाइनल का, जिसमें 17-13 से इस समय पर कुड्डू। अटैक लाइन, अमित खाकटा ने अटैक लाइन दे मारी है, इस चीज का जिक्र किया जाता है कि अमित खाकटा एग्रेसिव है, ये प्लेयर काफी समय से सेवाएं दे रहा है वॉलीबॉल में और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए खेलता है। यहाँ पर नजर आया अपने एग्रेशन, एक पॉजिटिव एग्रेशन जो दिखाया, इंटेंट शो कर दिया है, जिस प्रकार से वहां पर शुरुआती समय में ये अभी तक मैच चल रहा है, यहां से अब मैं समझ सकता हूं जिस प्रकार से लविश ससरामटा खेले हैं वहां पर इस पूरे मैच में, उनको सपोर्ट इस प्रकार का अमित खाकटा का चाहिए। आए कब यहाँ पर निकला है, बहुत बढ़िया, अच्छी प्लेसमेंट थी यहाँ पर, अमित खाकटा किसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अपना विरोध जरूर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे विरोध दर्ज करने का कोई फायदा नहीं होगा। शुक्रिया सर। जी हाँ जरूर मनोज नेश्ता जी, मुकुल भाई को मैंने थोड़ा सा नजदीक बुला दिया है। कुड्डू वेल पे, हरी ठाकुर जी कह रहे हैं, लुकपाल कोटवी जी कुड्डू के लिए अपनी शुभकामनाएं, इस बार चालाकी की थी सौरभ कलांटा ने, इस बार क्रॉस किया है सचिन ने, बॉल वहां पर सौरभ कलांटा के हाथों में, लिफ्टर रवि के लिए, इस बार लगता है नेट में पकड़े हैं। जी हाँ अंक एक और कुड्डू को यहाँ पर मिलता हुआ, मुकुल भाई नेट में झूले हैं, अब नेट में जब झूलते हैं तो क्या आती है, शायरी आती है, और शायरी वही इलाहाबाद वाली आती है कि आपकी उलझन जुल्फों की उलझन में कुछ यूं आबाद हो जाऊं, लखनऊ का जैसे मीना बाग हो जाऊं, तेरी जुल्फों की उलझन में युवा बाद हो जाऊं, लखनऊ का जैसे मीना बाग हो जाऊं, कब तक निहारू जमुना बनकर ताजमहल को, मिल जाए कोई गंगा तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊं। अब तो प्रयागराज बोल दीजिए, अब तो उसका नाम भी बदल गया इलाहाबाद का। और चलिए बहरहाल गेम पर आपको वापस आते हैं, यहाँ पर कुड्डू की बात कर रहे हैं, स्कोर की बात यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं आपको, अपडेट यहाँ पर स्कोर के लिए 20-15 इस समय पर हो चुके हैं, 20 हमारे बीच में कुड्डू के और 15 हमारे बीच में जुब्बल के हैं। जुब्बल रेंजर्स यहाँ पर अच्छी एक कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर जगह ढूंढी और बहुत अच्छे से प्लेस किया, कोई जवाब वहां पर कुड्डू के प्लेयर के पास नहीं था। 16 अंक पर पहुंची जुब्बल और 20 अंक पर हमारे बीच में कुड्डू की टीम। जी हाँ मुकुल भाई, जिस प्रकार से हम वहां पर देख रहे हैं, हालांकि पहले काफी पिछड़ती नजर आ रही थी टीम लक्ष्मी टाइटंस किरण वैली कुड्डू, बहुत आगे चल रही थी जुब्बल रेंजर्स, एक मरता बैक फुट पर जा पहुंची थी टीम, लेकिन वापसी कराई लविश ने, आप देख सकते हैं इस बार अमित खाकटा आउट लाइन के बाहर ब्लॉक आउट हुआ और एक और अंक अर्जित किया है। यहाँ देख सकते हैं आप उषा ठाकुर जी, टॉफी चिंगम लॉलीपॉप कुड्डू वाले सबसे टॉप, क्या बात है, कुड्डू के लिए स्पोर्ट बहुत देखने को मिल रहा है जब ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं। ऑफलाइन भी अगर बात करें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो हमारे बीच में दर्शक है, जो हमारा स्टेडियम है, यहाँ पर सुपर पॉइंट क्लेम किया गया है,
जो हमारा स्टेडियम है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि वॉलीबॉल की क्या यहाँ पर जो रग रग में जो बसता है लोगों के वो देखिए। ये तो गिफ्टी कर दिया सुपर ने, यहाँ पर सुपर पॉइंट क्लेम किया था और उन्हें गिफ्टी हो गई सुपर पॉइंट। दो अंक यहाँ पर मिलेंगे। जी हाँ, जैसे सोनी लोकपाल कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जुबल रेंजर्स के लिए शुभकामनाएं। और वो जो चार अंकों की बढ़त थी सुपर पॉइंट के बाद मात्र, माफी जो पांच अंकों की बढ़त थी सुपर पॉइंट के बाद मात्र रह गई है तीन अंकों की, इसी बीच आई है राजा तांडा और आर्यन मलोकटा के लिए दिग्विजय भारद्वाज जी की एक शायरी जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजा टाटा और आर्यन जी के लिए ये है। अभी आप लोगों को बता दें 22:18 पर इस समय पर हमारे बीच में गुड्डू की टीम आ गई है, दूसरा सेमीफाइनल ये है, इससे पता चलेगा फाइनल में कौन पहुंचेगा। एक अंक और यहाँ पर गुड्डू को मिलेगा, 23 पर पहुंच चुके हैं, 23 पे पहुंच चुके हैं। एक और बात यहाँ पर बात कह दे, मुझे जो लगता है कि ये जो सेट है कल से आज तक अभी तक जितने मैच हुए हैं, कल के 6 मैच और एक सातवां जो सुबह का हुआ, एक भी मैच 5 सेट तक नहीं गया। जी हाँ मुकुल भाई, जरूर आपने ये बात ठीक की। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दर्शक देखिए, मुकुल भाई आज यहाँ पर हुजूम सा दर्शकों का उमड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर रियासत जुब्बल इस टूर्नामेंट का एक जो नाम एक पहचान हिमाचल प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे भारत में टूर्नामेंट नाम बना चुका है, और आज हम देख सकते हैं दर्शकों का जो हुजूम उमड़ा है, देखते हैं इस टूर्नामेंट को बनता है। और मुकुल बात कर रहे थे खेल की, यहाँ सौरभ कांटा की चालाकी देखिए, सचिन बॉल लेफ्ट किया, अंशुल के लिए क्रॉस हुआ है, इस बार लवेश बॉल लेफ्ट किया है, राजा कांटा निकाला जुब्बल के लिए। और हमारे बीच में जो स्कोर है वो 19 पहुंच चुका है जुब्बल का, अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि ज्यादा अंक जो है हमारे बीच में कुड्डू के यहाँ पर है, और कुड्डू केवल दो अंक दूर है यहाँ पर पहला सेट जीतने से, और अगर पहला सेट जीत जाते तो ऑब्वियसली एक प्रेशर यहाँ पर जुब्बल पर बनेगा। हालांकि जुब्बल ऐसी टीम है नहीं जो प्रेशर में ढह जाए, लेकिन पता नहीं चलता है। और इसी के साथ अंक हुए 20। जी हाँ, अंकिस वहां पर अहम मौके पर दिया है अपनी टीम के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप अब स्कोर 20-23 है, वो दिया है वहां पर लवेश ससरामटा, आइकन है अपनी भूमि का, वहां पर समझते हैं किस चीज के लिए वहां पर एक जिम्मा जो होता है, एक प्रेशर जो होता है। और मुकुल भाई एक बात इस भी जरूर यहां से कहना चाहूंगा, जो प्रथम संस्करण रहा था और द्वितीय संस्करण रहा है, उसमें एक ही कॉमन चीज रही है, वो कॉमन चीज ये रही है कि जुब्बल रेंजर्स एक ऐसी टीम बनी है, इकलौती ऐसी टीम बनी है जिसने दोनों सीजन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। कुड्डू का अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से इसी साल ये यहाँ पर जुड़ी है, नई टीम हमारे बीच आई है। मुकेश बनियाल जी का कमेंट यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, बबलू और रविंदर जी जुब्बल में हैं, लगातार लिंक भेज रहे हैं, उनका भी थैंक्स बोलना। जी मुकेश बनियाल जी सर, जरूर हम इस बीच यहाँ से धन्यवाद करना चाहते हैं श्रीमान बबलू जी और रविंदर जी का, जो कि वहां पर स्ट्रीम को शेयर करें। इस बीच सचिन के लिए बॉल बना था यहाँ पर, ऊंचे ऊंचे हाथ, इस बार शाहिद अली लटके हैं और अंक का वहां पर एक और अंक का इजाफा होगा। इस बीच मैच पॉइंट पर मुकुल भाई आपको परिचय देना चाहूंगा, एक सुरीली अली आवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरीफाइड अकाउंट आप देख सकते हैं, चिराग ज्योति मास्टर जी सुरीली आवाज हमारे इस क्षेत्र की करासा गांव से संबंध रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय भारद्वाज जी शायरी कह रहे हैं, वो शायरी जो मेरी खुद की फेवरेट शायरी है, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। क्या बात है, क्या बात है। एक और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे बात, 24-21 का स्कोर हो चुका है, और 24 यानी एक मैच पॉइंट से दूर यहाँ पर सेट पॉइंट से दूर अंक मिलेगा यहाँ पर पहला सेट दूसरे सेमीफाइनल का, कुड्डू ने प्रणाम किया लक्ष्मी टाइटंस केरल वैली कुड्डू, मुझे ये नाम याद करने में दिक्कत हो रही है, कॉपीराइट लग जाएगा यार। जी हाँ, इस बीच पहले सेट की समाप्ति हो चुकी है, और पहले सेट में वहां पर अपने नाम किया है लक्ष्मी टाइटंस किरण वैली कुड्डू ने,
ये वो पल जिस खेल को उन्होंने खेला, इस खेल की कई मरतबा के सारे तथ्य शर्म बनाई। आप सभी लोगों से चाहूंगा कि दोनों ही बेटियों के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें और हमारे लिए परिचार कि आप बेटियां हमारे साथ इस क्षेत्र की दो अनमोल बेटियां आज हमारे साथ बतौर विशेष अतिथि यहाँ पर। हमने इनको निमंत्रण दिया था, इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकारा। फिर की गहराई से कलाराना और पिंकी बास्तू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ आपकी माता श्री भी आए हैं और बहन भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। फिर की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो बेटियां जिन्हों ने वाकई गौरवान्वित किया है इस क्षेत्र को, जिंदर की माटी को, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुकाम, आज भी खेलों को खेलती है, आज भी इस खेल को जीती है और इस खेल को जीतती है। इन्हीं स्कूलों में, साधारण से स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, ऐसे ही मैदानों में प्रयास किया, ऐसी ही जगह प्रशिक्षण लिया और बाद में इसी प्रशिक्षण के बल पर, अपने अनुशासन के बल पर जो मुकाम हासिल किया वो अंतर्राष्ट्रीय। मुकुल भाई, आप सेकंड सेट हमारे बीच बिल्कुल शुरू होने वाला है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले सेट में टीम जुब्बल रेंजर्स पिछड़ती नजर आई है। वहाँ पर शुरुआती समय से जैसे ही सेट की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर शुरू में ही लीड जमा चुकी थी टीम लक्ष्मी टाइटंस किरण वैली कुड्डू, जिसके परिणाम स्वरूप अब 1-0 के सेट स्कोर में बढ़त बनाकर आगे चल रही है। जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि जो पहला पॉइंट लेता है वही आखिरी पॉइंट लेता है, कुड्डू के साथ तो ऐसा हुआ। अब इस बार ही देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस सेट में यहाँ पर पहला पॉइंट लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब जुब्बल थोड़ा सा जो है प्रेशर में होगा, क्योंकि अगर ये सेट पर भी कुड्डू यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर समस्या हो जाएगी उनको, क्योंकि फिर अगला सेट तो यहाँ पर ऐसे है कि 3 सेट लगातार जीतने पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो तो वह लेना भी नहीं चाहेगी कहीं ना कहीं, अगर बात करें टीम जुब्बल रेंजर्स की। मेरा अनुमान है चाहे जो भी जीतेगा ये 4 सेट तक, उससे ऊपर नहीं, 4 सेट मैक्सिमम ये मैच जाएगा, उससे ऊपर मैच नहीं जाएगा। जी हाँ मुकुल भाई, आपने अनुमान जरूर लगाया है, पर मैं यहाँ पर इस बार आपको जरूर थोड़ा सा अपोज करना चाहूंगा, क्योंकि क्षमता है, काबिलियत है दोनों टीमों में, वहाँ पर बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं। थोड़े से कमेंट देना चाहेंगे मुकुल भाई, मुकुल भाई की वॉइस क्लियर नहीं, अगर आपको मुकुल भाई की वॉइस क्लियर आ रही है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खिमटा जैन मुकुल जी, इंप्रेसिव कवरेज दिग्विजय भारद्वाजी जी, हम वही धन्यवाद करना चाहते हैं। कपिल चौहान जी, नीतीश राठौर जी, अमन शर्मा जी, आयुष शर्मा जी और पवन भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। जरूर आपको आवाज उन लोगों की नहीं आ रही है, पर ये जो दृश्य आप लोगों तक लेकर आए हैं वहां पर उनके सौजन्य से बिल्कुल। और देखिए, एक हमेशा से एक टीम एफर्ट रहता है और ये टीम एफर्ट, चाहे आप लाइफ टाइम्स टीवी की बात करें, विजन हिमाचल की बात करें, जितने भी टीम्स हैं सारे इकट्ठे होकर यहाँ पर केवल एक और एक लक्ष्य लेकर आप लोगों के लिए चली है। हमारे माननीय सम्माननीय कपिल भाई हैं, हमारे नीतीश भाई है, छोटे भाई है, उसके साथ वरुण भाई की बात करें लगातार आप लोगों के बीच में आवाज लेकर आए, पवन भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हालांकि कवरेज में नहीं है, और हमारे आयुष भाई मैच भी बहुत अच्छा खेले थे, पीछे की ओर बैठे हुए हैं, अभी मैच देख भी रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपने दोस्त को, जो यहाँ पर आज 17 नंबर जर्सी के लिए, जर्सी किट के साथ यहाँ पर जुब्बल के लिए खेल रहा है। हमारे बीच में आप देख सकते हैं, आप तक बेहतर जो कवरेज है वो पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ पर प्रयास है। पहला सेट कौन जीता है, सिद्ध चौहान जी पूछ रहे हैं, तो पहला सेट आपको बता दें लक्ष्मी टाइटल किरण वैली कुड्डू यहाँ पर जीते हैं। जी हाँ मुकुल भाई, बात कर रहे थे वहां पर वॉलीबॉल की, अगर बात हो तो जुब्बल का जिक्र कैसे ना हो, क्योंकि हम पहले दिन से बात कर रहे हैं वो बेस जो कहा जाता है वॉलीबॉल का, वहां पर जुब्बल नर्सरी हम बात कर रहे थे। एक नर्सरी शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि कल आपने वहां पर कोच ने, वहां पर आप इंटरव्यू देखा है उसमें, वहां पर उन्होंने बताया है कि अभी जो सीनियर नेशनल में टीम गई है वहां पर हिमाचल प्रदेश की, उनमें 12 खिलाड़ियों में 8 खिलाड़ी जुब्बल के खेल रहे, तो बहुत गौरवान्वित करने वाला ये विषय है जुब्बल क्षेत्र के लिए। शिमला का ये जुब्बल छोटा सा कस्बा नाम बनाता नजर आ रहा है, अपितु हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की बात तो छोड़िए, पूरे राष्ट्र की बात करें, इवन अंतरराष्ट्रीय भी अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में जो जुब्बल है यहां से ऐसी पोत तैयार हमेशा होती रही है, जुब्बल से जो खिलाड़ी है वहां से ऐसे ऐसे तैयार होते रहे हैं कि जुब्बल किसी पहचान का मोहताज यहां पर नहीं है। और जब इस तरह के एक प्रॉमिसिंग टूर्नामेंट, जैसे आप रियासत जुब्बल ये प्रो वॉलीबॉल लीग जैसा टूर्नामेंट देख रहे हैं, जहां पर आप यंग बच्चों को मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ यहां पर साथ गांठ करते हुए खेलते हुए देख रहे हैं, तो आने वाला भविष्य भी यहां पर उज्जवल दिखता है। आपका एक पॉइंट था कि पहला जो लेता है वही आखिरी अंक लेता है, इस बार जुब्बल ले लिया है, क्या कहेंगे? यहाँ से पहले सबसे पहले मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहूंगा मुकुल भाई, तो शुरुआत करेंगे वहां पर, हालांकि एक पॉइंट हो चुका है पर अपने मंत्र के साथ, तो बोलो शोर।
शामो इस बीच मैच की तरफ ले चलते हैं। बॉल लेफ्ट टू सचिन के लिए, इस बार शाहिद अली की लंबी लंबी बाहें, इस बार सुजल एंटीने में पकड़े जाएंगे। अंक दिया है यहाँ पर जुब्बल रेंजर्स की टीम को। जुब्बल रेंजर्स इस समय पर दो अंकों पर और एक अंक पर इस समय पर हमारे बीच में क्षमा चाहेंगे, कोई अंक अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा अभी गुड्डू की टीम। दूसरा सेट हमारे बीच में चला जिसमें गुड्डू इस समय पर पहला सेट जीती हुई है और यहाँ पर प्रयास जो रेंजर्स है जुब्बल रेंजर्स है उसका यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके ये सेट को बराबर। पॉइंट वापस ले लिया गया है जुब्बल से और अंक मिला है लक्ष्मी टाइटंस किरण वैली गुड्डू, क्योंकि वहां पर नेट फॉल्ट में पकड़े गए हैं शाहिद अली। खाता यहाँ पर खुला गुड्डू का, ये इस तरह से डिसीजन चेंज करते हुए शायद पूरे टूर्नामेंट में ये पहली बार हुआ है जी। और इस बार प्रहार देखिए, अली का प्रहार, अली की खलबली मची है यहाँ पर। और इस बीच वीके जागता जी, गुड्डू टीम वो न्यू टीम जीतेगी आईपीएल में, गुजरात क्रिकेट क्रांति में ठोक जीता। जी हाँ, ये वहां पर इतनी बारीकी से देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट, वो कहते हैं मुकुल मैं कल बात कर रहा था, जब आप किसी चीज पर कंसंट्रेशन वहां पर बनाए रखते हैं तो आप रिलेट करते हैं। इस बार जुब्बल की टीम ने अंक अर्जित किया है। अब सर्विस करने देखिए आए हैं राजा तांजा, कोशिश जरूर रख जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांधे रख शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। आयुष शर्मा जी के लिए वहां पर ये शायरी, आयुष भाई आपके लिए आ रही है वहां पर, शायरियों का सिलसिला आयुष शर्मा जी के लिए चला हुआ है दिग्विजय भारद्वाज जी के द्वारा। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप लोग यहाँ पर बताइए आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। मीरा जी जैक कह रहे हैं जुब्बल, आई एम सपोर्टिंग जुब्बल। पवन जी कह रहे हैं, गीता जी कह रहे हैं गुड्डू, गुड्डू के लिए। एक और हमारे बीच में कमेंट आया है संतोषी जी का, अगर संतोष है या संतोष है तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाते रहे। बेस्ट ऑफ लक जुब्बल। यहाँ पर राजू छाष्टा जी, आप सभी लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं इस समय पर स्कोर बोर्ड पर 3 गुड्डू है और 2 पर जुब्बल है। आप लोगों को थोड़ा अपडेट यहाँ पर कर देते हैं, 3 क्षमा चाहेंगे यहाँ पर। जी हाँ, अब ठीक हो जाएगा। आप गुड्डू का इस समय पर स्कोर 3 है देखिए। अरे ब्लॉक अच्छा था लेकिन बाहर गई गेंद, एक अंक और मिलेगा जुब्बल को। 3-3 पर गेम बराबर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में वहां पर शशिकांत खान जी कह रहे हैं आईपीएल आरसीबी और यहाँ पर जुब्बल रेंजर जीतेगी। सर जुब्बल रेंजर मोस्ट कंसिस्टेंट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट रही है वहां पर, अगर बात करें फर्स्ट सीजन से। एक बार पुनः खूबसूरत सर्विस, इस बार बॉल अमित रांटा और इस बार खूबसूरत डाइव वहां पर सौरभ कांटा की देखने को मिली है। इस बार सुजल इस बार ब्लॉक में पकड़े जाएंगे।